जय यीशु। परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं इस दिन। आज हम पढ़ेंगे गैलेशियंस अध्याय 4 पद संख्या 6 और 7। आप लोग पुत्र ही हैं, इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन आज भी हमसे यही कह रहा है कि हम उसके पुत्र हैं, और पुत्र होने के बाद उसके विरासत के भाग्यकारी हैं। कि अब पिता ने यीशु को जो भी दिया है वो सब चीज हमें भी दिया गया है, क्योंकि हमें उसकी रूप धारण बनाया गया है, हमारा विश्वास उसकी ओर है, और हम पूरी जिंदगी यीशु की करुणा कृपा दया से जीने के लिए परमेश्वर ने हमें वो दिया है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, हम अपना स्थान को भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हम सिंहासन के विराजमान हैं, हम भाग्यकारी है उस चीज का। जिस प्रकार एक पिता का जो भी है उसे संतान को दिया जाता है, उसी प्रकार यीशु का जो भी है वो हमें दिया गया है। कभी कभी हम वो चीज को अपनी जिंदगी से भूल जाते हैं कि हम अब पिता के पुत्र हैं, और हम उसके हर एक चीजों के लिए भाग्यकारी हैं। और जब दुख आता है, तकलीफ आता है, हम अपने स्थान को भूल जाते हैं, और फिर हम गिड़गिड़ा के रोते हैं, हमें ये लगता है कि अब इसके आगे हमें कुछ नहीं होगा, हम दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, हमारी जिंदगी खत्म। परमेश्वर आज हम सब जन से कह रहा है कि अपना स्थान मत भूलो, ये मत भूलो कि तुम कौन हो, तुम परमेश्वर के पुत्र हो। तो आज मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हम सब जन से कह रहा है कि अपने स्थानों को मत भूलना, क्योंकि उसके बलिदान के द्वारा हमें यह स्थान दिया गया है, और हमारा विश्वास उसमें है तो हमारा स्थान पूरी तरह से उसमें मिल जाता है। तो मेरे भाई और बहनों, सुबह परमेश्वर को धन्यवाद देकर यह प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, सुबह के लिए धन्यवाद देते, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। अब पिता, हम हर एक चीजों के लिए माफी मांगते हैं कि हम अपने स्थान को कभी कभी भूल जाते हैं। जब हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी आता है, हम ये भूल जाते हैं कि हमारा पिता हमारे साथ है, हम ये भूल जाते हैं कि यीशु हमारे साथ है, और हम दुख, तकलीफ, परेशानी में जूझते रहते हैं और गिरते जाते, हम ये भूल जाते हैं कि हम आपके बेटे और बेटी है। तो वह पिता, इस सुबह हम वो सब चीजों के लिए माफी मांगते हैं, और आपसे ये प्रार्थना करते हैं इस सुबह कि हमारा स्थान को हम आपकी ओर हमेशा बढ़ाए रख। हे यीशु, हमें हमेशा मदद कर के हम हमेशा तेरे करुणा में, तेरी कृपा में, तेरी दया में और तेरे पवित्र आत्मा में चलते रहे, कि हमेशा हम ये ना भूले कि हम किसके पुत्र और पुत्रिया हैं। हम हमेशा परमेश्वर आपकी ओर चलने के लिए वो ताकत दे, कि भले दुख, तकलीफ, परेशानी आएगा, लेकिन परमेश्वर तू हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है और हमें उस चीजों से निकालता है। तो इस सुबह परमेश्वर, हमें वही करुणा, वही दया मांगते हैं माता मरियम के मध्य से, सारे स्वर्गदूत के नाम से। आमीन। जय श्री।